बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और इजी तरीके से बनने वाला मटन करी की रेसिपी। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मटन और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 4 हरी मिर्चें, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और 3 मीडियम प्याज स्लाइस में कटा हुआ, 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और कुछ दालचीनी स्टिक डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर के अंदर डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और कुकर के ढक्कन को ऊपर से रख देंगे, अभी इसे बंद नहीं करेंगे। तो मटन के थोड़ी देर पकने के बाद आप देखेंगे कि मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब इस पानी को खुश्क होने तक इसे भून लेंगे और फिर शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब 800 ml पानी डालेंगे और कुकर का लीड लगाकर इसमें 2 विसिल आने तक कुक करेंगे। तो देखें, 2 विसिल लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और कुकर का प्रेशर निकल चुका है। तो अब इसे खोलकर चेक करेंगे। तो देखें, मैंने चेक किया है तो गोश्त अभी हमारा बहुत अच्छे से नहीं गला है और पानी भी इसके अंदर है। तो इस टाइम पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे और कुकर का लीड अंदर से बंद करके 1 विसिल आने तक पका लेंगे। तो देखें, 1 विसिल लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसे डिश आउट करेंगे और ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसे चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप लोग भी इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।